महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद नामांकन प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने मुंबई की वर्ली सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव में डेब्यू कर रहे आदित्य ने नामांकन से पहले एक रोड शो भी निकाला जिसमें सैकड़ों शिवसैनिकों ने हिस्सा लिया। आदित्य ठाकरे ने अपने रोड शो के दौरान गाड़ी में सवार थे और उनके आगे पीछे शिवसेना समर्थकों का हुजूम था। आदित्य ठाकरे जहां से गुजर रहे थे वहां लोग उनका फूलों से स्वागत कर रहे थे। करीब एक घंटे का ये रोड शो रहा और वो वहां से होकर नामांकन स्थल पर पहुंचे और वर्ली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने नामांकन दाखिल करने से पहले बाला साहेब ठाकरे का भी आशीर्वाद लिया। आदित्य ठाकरे ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि मैं काफ़ी खुश हूं और उत्साहित भी हूं। उन्होंने कहा कि लोगों का समर्थन देखकर मुझे उतनी खुशी हो रही है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे के नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि वो हमारे परिवार की जनता है और वो परिवार की तरह ही जनता की सेवा करेगा। उन्होंने कहा, हमारे परिवार की परंपरा है कि जनता की सेवा करना। मुझे खुशी है कि इस पीढ़ी ने ये भी काम किया और मेरे पिताजी ने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं भी कहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब ये नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है। ये नई सोच देश और राज्य से निकलकर लेके आएगी। मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ के हमारे शिव सैनिक, पूर्व विधायक और पूरी जनता सबका आभारी हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब भी आप कहेंगे, आदित्य हाजिर हो जाएगा और यहीं अपनी कर्मभूमि बनाएगा। बता दें कि आदित्य ठाकरे की परंपरा को तोड़ते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया।